तो हेलो दोस्त, आज हम लेके आए हैं जो कल हम पढ़ाए थे, कल के क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किए थे। तो आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि आप लोग देखिए बनाने के लिए प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए ये है हमारा इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका रूट दिया हुआ अल्फा बीटा। तो फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन बाय ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस वन बाय ए बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों इसको बनाइए, फिर हम बताते हैं किस तरह बनाना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन है किस तरह सॉल्व करते, देखिए पहले तो हम इसको क्या करेंगे, हम अल्फा और बीटा मिल लेंगे। क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और इसको इस में भी तोड़ लेते ताकि हमको आसान बैठ जाए बनाने के लिए। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे हम, इसमें से देखिए अल्फा कॉमन लेते, ठीक है, अल्फा कॉमन लिए तो एक्स का स्क्वायर। अरे ध्यान नहीं दिए तुम लोग जरा भी ध्यान नहीं दिए। क्या करें दोस्तों, पता है x के लिए अपन अल्फा रखना, a अल्फा का स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू जीरो। तो हम इसमें से क्या किया, अल्फा कॉमन लिया, तो अल्फा कॉमन लिया क्या हो जाएगा हमारा, a अल्फा का अल्फा प्लस बीटा प्लस c इक्वल टू जीरो। ठीक है, और करो क्या करो, a अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस सी बाई अल्फा। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन वन। अब देखो क्या करो, इसको लो बीटा को, तो ए बीटा का स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसमें से बीटा को मान लेते हैं, बीटा को मान लिए तो ए बीटा प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ए बीटा प्लस बी इक्वल टू माइनस सी बाई बीटा। ठीक है, तो दोस्तों यह गया इक्वेशन हमारा टू। अब देखिए इसको लिख चलते हैं, ये है क्या दिया हमको, वन बाय ए अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस वन बाय ए बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों ये देखिए अल्फा, ए अल्फा प्लस बीटा और ए अल्फा प्लस बीटा इसका मान क्या है, माइनस सी बाई, यहाँ पर लिखिए वन बाय माइनस सी बाई अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ए बीटा प्लस बी क्या लगेगा, वन बाय सी बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, वन बाय सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस वन बाय सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसको ये ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, अल्फा का स्क्वायर बाय सी का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बाय सी का स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, सी स्क्वायर कॉमन लिए, क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा, क्या आंसर। ठीक है दोस्तों, उतारिए इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे कराए, और दोस्तों एक बात और, ये जो यहाँ तक है इसको हम आगे ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा छोड़ देंगे तो ये भी आंसर ठीक है हमारा। लेकिन देखिए हम आगे बढ़ा के देखते हैं, क्योंकि अभी तो अपना का क्लास है, अब ये जो करते करते, ठीक है, इसको देखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म है ना, इसको तोड़ सकते हैं हम, ध्यान देखेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा बटे में क्या है, सी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, आपको हम फर्स्ट क्लास में ये फॉर्मूला लिखा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस बी बाई ए, नोट करके, और फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखा था, सी बाई ए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे उसी का प्रयोग होगा, माइनस बी बाई ए का होल बटे में सी का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर को मान लिए, ठीक है, ए स्क्वायर एलसीएम लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लगा टू ए सी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बी माइनस टू ए सी बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से उतारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बनाते हैं हम। थैंक यू।
आ गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग पढ़ाए थे क्या है डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन। आइडेंटिटीज और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी जो होता है उसका ऑल वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होता है, ठीक है, ऑल रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होता है आइडेंटिटी। और इक्वेशन क्या होता है, ऑल रियल वैल्यू को सेटिस्फाइड नहीं होता है, कोई कोई फिक्स वैल्यू होता है उसका, ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं। जैसे देखिए एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो ये आइडेंटिटीज होगा कि इक्वेशन पहले आप गेस कीजिए, हम बता दें। देखिए दोस्तों ये जो एक्स माइनस फोर लिखे हैं ये कोई ऑल रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ x की जगह हम 4 रखेंगे तभी यहाँ पे 0 हो सकता है वगैरह नहीं होगा 0, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, ये हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है, जो ऑल रियल वैल्यू को सेटिस्फाइड ना करे वो क्या होता है हमारा इक्वेशन। फिर देखिए यहाँ पे एक्स वन एक्स थ्री, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है, ये भी जो है हमारा ऑल रियल वैल्यू को सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर देखिए 0 लाना होगा इक्वल टू 0 तो x की जगह पे क्या देंगे, देखिए अगर x की जगह पे हम 1 देते हैं तो ये हो गया 0 और ये अगर 0 हो गया तो 0, यानी कि एक या दो वैल्यू आएगा उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो और देखिए यहाँ पे इक्वेशन आइडेंटिटीज की बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन तो ये होगा आइडेंटिटीज नहीं होगा, ठीक है, और ये क्या होगा हमारा इक्वेशन इक्वेशन होगा, ठीक है, आइडेंटिटीज नहीं होगा, ठीक है। और ये देखिए हमारा 3x प्लस 4x इक्वल टू 7x, ये क्या है हमारा 3x प्लस 4x, यानी कि x पे इंडिपेंडेंट है, x बढ़ाएंगे तो ये हमारा बढ़ेगा, x घटाएंगे ये घटेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये बहुत सारे रियल वैल्यू के लिए डिफाइन करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइडेंटिटी जगह इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। और देखिए ये भी क्या है, आगे पीछे अगर दोनों x है, ठीक है, दोनों x यानी कि ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, वो घटाएंगे तो वो भी घटेगा, इसलिए क्या है ये आइडेंटिटीज नहीं इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आइडेंटिटीज और इक्वेशन किस तरह बनाते हैं, इक्वेशन जब भी होगा तो बहुत इक्वल टू जीरो रहता है, इक्वेशन इक्वल टू जीरो, ठीक है, या फिर अगर एक से दो वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है इसका मतलब क्या है वो इक्वेशन है, और जो ऑल रियल वैल्यू सेटिस्फाइड है वो क्या है आइडेंटिटीज है। तो हम नेक्स्ट में मिलते हैं, आप उतार लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नोट लिखे हैं, देखिए क्या है नोट है, आइडेंटिटी द प्रोपोजिशन लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड आर इक्वल, क्या है नोट करके लिखे हैं हम क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसलिए एंड इन एन आइडेंटिटी द प्रोपोजिशन लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड आर इक्वल, ठीक है, बोथ साइड क्या होगा इक्वल होगा। देखिए एग्जांपल में है, इफ ए ई एक्स ए ई पावर एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी इक्वल टू टू ई एक्स माइनस थ्री साइन एक्स प्लस फोर is an identity in x mean, इसका आइडेंटिटी क्या होगा तो हम आपको निकाल के बताएंगे। देखिए क्या होगा दोस्तों, ए का आइडेंटिटी होगा 2, बी का आइडेंटिटी क्या होगा 3, माइनस 3 होगा, सी का आइडेंटिटी क्या होगा 4, ठीक है, क्या हो गया ए का आइडेंटिटी क्या हो गया ए का आइडेंटिटी इसके ऊपर से एक आइडेंटिटी क्या होगा 2, बी का आइडेंटिटी क्या होगा माइनस 3, सी का आइडेंटिटी क्या होगा 4। दोस्तों फिर आप उतारिए इसको अच्छी तरीके से, फिर नोट बनाइए, फिर हम बाद में बताते हैं आप लोगों को क्या करना है आगे। तो दोस्तों अभी जो हमने पढ़ाया आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन, तो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लाइन है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें। तो दोस्तों शुरू करते हैं सॉल्यूशन, क्या है हमारे पास 2a a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2, दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बनाने में बहुत छोटा क्वेश्चन है, बस इसका बात का गारंटी लीजिए आप, x प्लस a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 और इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू 0 है ना, तो हम जाएंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, 0 का x स्क्वायर प्लस 0 का x प्लस 0, ठीक है, ऐसे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ाया था क्या आइडेंटिटी जो होता है दूसरे इक्वेशन का इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा, यहाँ देखिए ये जो है एक इक्वल है, ये जो है इसके इक्वल है, और ये जो है हमारा इसके ऊपर है, ठीक है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, सही से देखो, सही से देखो।
ये हमारा ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ए बी सी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो 2a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यहाँ से फिर क्या है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से ये कॉमन लेके हटा सकते हैं, इसको ये हटा देंगे, क्या हो जाएगा, ए कॉमन लेते हैं तो जाएगा 2 माइनस ए इक्वल टू जीरो, ये ए जो कॉमन लिया वो इधर चला गया, ठीक है, जीरो ये हो गया ये, और फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू जीरो, निकाल जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब दोस्तों इस सब का रूट निकाले तो क्या होगा, पहला तो ए ग्रोथ किसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका देखिए रूट क्या क्या होगा, इसका रूट ए इक्वल टू 2, तो ए इक्वल टू 2 और 0 होगा, ठीक है, ए इक्वल टू 2 और 0, और इसका रूट देखिए क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो जुड़ेगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2, यानी कि 2 और 1 में टूटेगा, तो 2 और 1 क्या होगा माइनस में, माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा माइनस 3, क्या हो जाएगा इसका ए इक्वल टू क्या आएगा माइनस 1 इक्वल टू 1, यानी कि ए इक्वल टू 1 और 2 आएगा, ठीक है। और इसका देखिए, इसका देखिए क्या हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8, तो 4 गुणी 8 करेंगे तब ना आएगा 4 माइनस माइनस 4 माइनस 2 तो क्या आएगा माइनस 6, तो क्या आएगा माइनस 4 और माइनस 2, यानी कि ए इक्वल टू क्या आएगा माइनस 2, यानी कि इक्वल टू 2, माइनस 4 इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमको क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए का वैल्यू निकालना है। तो देखिए दोस्तों वैल्यू निकालना किसका, ए का, देखिए इसमें क्या है हमारा ए इक्वल टू 2 भी आया है, 0 भी आया है, 1 भी आया है, 2 भी आया है, 2 भी आया है, 4 भी आया है, हमको ए इक्वल टू ऐसा वैल्यू लेना चाहिए जो सब इक्वेशन में आया हो। तो अगर ए इक्वल टू 0 रखते हैं, अगर ए इक्वल टू 0 रखते हैं तो खाली यही इक्वेशन आएगा, ठीक है, ये सब नहीं आएगा। अगर ए इक्वल टू 1 रखते हैं तो यही इक्वेशन आएगा और ये सब नहीं आएगा। अगर ए इक्वल टू 4 रखते हैं तो ये इक्वेशन आएगा, ठीक है। अगर ए इक्वल टू 2 रखेंगे तो इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसलिए क्या हमारा आंसर ए इक्वल टू 2। तो दोस्तों इसको उतारिए और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोगों से, और बढ़िया से पढ़िए, मौज कीजिए एकदम अच्छी तरीका से, ताकि मज़े आए पढ़ने में, पढ़े नहीं कि एक मज़ा